उत्तर प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने 26 फरवरी को अपने आवास पर विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यों को लंच पर बुलाया। इस दौरान कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ खाने के दौरान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उसमें नजर नहीं आए, जिसे सपा ने मुद्दा बना लिया। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से तंज कसते हुए ट्वीट किया गया, साइड में एक स्टूल केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी लगा देते, वो भी सबके साथ भोजन कर लेते, गंगा जल से नहला कर ही ले आते। अगर मौर्य जी के पिछड़ेपन के कारण उनसे कोई अछूत वाला व्यवहार है तो ये गलत है और इसकी कड़ी निंदा हम करते हैं। बेचारे इस भोज से दूर क्यों रखे गए, बुलाए नहीं गए या फिर वे आए नहीं। सपा के इस ट्वीट पर कई यूजर्स ने कमेंट भी किए। गुंजन पंडित ने लिखा, जाति टटोल कर भोजन पर बुलाने की प्रथा सपा में ही है, अपना इतिहास क्यों नहीं याद कर लेते। रणधीर नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ये सब विधानसभा के लोग हैं और स्वतंत्र देव भी ओबीसी हैं, जातिवाद में मूर्खतापूर्ण बातें ना करो भाई। वहीं रामपाल कौशल नाम के एक यूजर ने एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, अखिलेश जी आप मौर्य के इतने ही हितैषी हैं तो स्वामी प्रसाद को एक स्टूल दे देते, लेकिन आपने भी राजनीति की है। इसके अलावा सौरभ तिवारी ने कमेंट करते हुए लिखा, बिल्कुल ही मूर्खता का परिचय, वहीं पर स्वतंत्र देव जी भी बैठे हैं, कहां जातिवाद हो रहा है, सपा में ही एक जाति और मजहब की प्रधानता रहती है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी ने जो तस्वीर साझा की है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, यूपी के एक डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और कई अन्य नेता एक साथ डिनर टेबल पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राज्य के दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वहां पर नहीं है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य पर कटाक्ष किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।